प्लीज अंजलि प्लीज हमारा चेहरा हम लोग आप लोग कर गए पुल के नीचे रख दिया था हमारा चेला को बाद है नाच गान होता है नाच गान होता है करने जाता बाबू हमारा चेला को मर्डर कर दिया। नमस्कार न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ रश्मि। बड़ी खबर राजधानी पटना से सामने आ रही है जहां पर किन्नरों की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है। बता दें कि पटना के कंकड़बाग में ये प्रदर्शन किन्नरों की तरफ से किया जा रहा है। इतना ही नहीं, जिस तरह से पिछले दो दिनों में किन्नर की मौत हुई है, इसको लेकर जो गुस्सा है वो अब किन्नर समाज का देखने को मिला, और यही वजह है कि आगजनी भी उनकी तरफ से की जा रही है। आपको बता दें कि राजधानी में किन्नरों का हंगामा लगातार देखने को मिल रहा है। पटना में किन्नर की मौत के बाद पटना के कंकड़बाग थाना क्षेत्र के श्रीराम हॉस्पिटल के सामने दर्जनों किन्नरों ने जो है ये हंगामा किया है। मौके पर पुलिस पहुंच चुकी है, किन्नरों को समझा रही है, लेकिन इसके बावजूद किन्नरों की तरफ से ये जो प्रदर्शन है वो लगातार जारी है। कई वाहनों को क्षतिग्रस्त किया गया है, हंगामा करती हुई किन्नर नजर आ रही है। वहीं किन्नरों ने सरकार और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी भी की है। क्या कुछ कहना है किन्नर समाज का, किस तरह से उन्होंने अपनी बातें रखी है, आप पहले उनकी इस बात मर्डर ही क्यों होता है, लोग मर्डर ही दो मर्डर हुआ, कल एक हुआ, एक आज हुआ, क्यों होता है? पहले हुआ, कल एक सोचिए, हम तो आपको पूरा क्या हुआ नहीं हुआ कैसे हुआ जो हम जो किए हैं उसको उचित जो सजा होता है नहीं सर आप समझदार जला दे पहुंचा भाई जला देंगे जला देंगे जला देंगे तो हम लोग जनता लेके देते हैं बोलते हैं हम लोग घूम रहे हैं हम जनता घूमते हैं तो हमने आपको बता के जनता में प्लीज अंजलि प्लीज हमारा चेला अब लगता है अपने आप को जाली में नहीं हमारा हाथ ही ऐसा चला आप लोग कर गए पुल के नीचे रख दिया था हमारा चेला को बाद है नाच गान होता है नाच गान होता है करने जाता बाबू हमारा चेला को मर्डर कर दिया। कल एक गाय घाट में हो गया पता में आज नाचने गाने जाए तो वही हलवा दो पांच रुपया मांग के पेट भरता है, ऊपर भी सहारा नहीं है बाबू हमारा चेला को मर्डर कर दिया हमारा मांगे पूरी कर छेड़खानी किया उसको मर्डर करके फेंक दिया गोली मार के फेंक दिया उसे रात में आज भोर में 4 बजे भोर क्या है 4 बजे सुबह का घटना है। कल हुआ वहाँ पे मीना बाजार में हुआ कल वो घर में 3 दिन से लाश बनता है 3 दिन से मार के फेंक दिया था आस पास वाला कॉल किया मेरे मीठापुर गया कुछ हम लोगों का समुदाय का जो चीज है कुछ हक नहीं बढ़ता है। 2 साल पहले एक और मर्डर हो जाता है अभी 2 मर्डर हो गया एक दिन में न्याय क्यों नहीं मिलता है? बिल्कुल न्याय का ही डिमांड है न्याय का ही मांग है। कल एक मर्डर हुआ आज एक मर्डर हुआ और हम लोग को ये समझ में नहीं आ रहा है कि किन्नर बाहर निकले रोड पर और कोई भी बदतमीजी हो उसके शारीरिक रूप से छेड़छाड़ हो और किन्नर अगर विरोध करे तो उसको सीधे पिस्तौल से मार दिया जाता है। मतलब आप लोगों के घर में हम लोग दुआएं दे रहे हैं और आप बदले में बंदूक की गोली दे रहे हो हमें हम आपके घर में दुआएं दे रहे हैं हम आपके घर में नाच रहे हैं दुआएं दे रहे हैं और आप क्या दे रहे हो बंदूक की गोली कोई प्यार का भूखा कोई पैसे का भूखा हम किस चीज के भूखे हैं आपके लिए हम लोग दुआ देते हैं प्यार के भूखे हैं हमारा जजमान ही हमारा मालिक है हमारा जजमान ही हमारे लिए मालिक है। तो बता दें कि पुलिस की तरफ से भी रोकने की कोशिश की जा रही है हंगामे को शांत कराया जा रहा है लेकिन इसके बावजूद जो गुस्सा है किन्नर का वो देखने को मिल रहा है। ऐसे में पुलिस प्रशासन का क्या कुछ कहना है इस पूरे हंगामे को लेकर किस तरह से उन्होंने अपनी राय रखी है आप उनकी भी ये बात जाते समय कर देंगे आप सुबह करीब 7:30 में सूचना मिली थी कि एक लेडी का डेड बॉडी रोड पर गिरा हुआ है तो हम लोग वहाँ पहुँचे और देखे उसके बाद क्योंकि उसमें ताज़ा लग रहा था उसके बाद हम लोग लेकर उसको श्रीराम हॉस्पिटल में आए जहाँ यहाँ डॉक्टर उसको डेथ घोषित कर दिए
फिर इनके समुदाय लोगों को सूचना दिया गया, समुदाय के लोग इनके पहुंचे, जब कपड़ा को हटाया गया तो राइट साइड में नुकीला छिद्र है, तो ऐसा लगता है कि किसी नुकीले पदार्थ से, चाहे वो गन शॉट हो या नुकीला कोई भी हथियार हो, उससे यह कारित करके इनकी हत्या की गई है। अब वो जांच किया जाएगा कि हत्या करने वाले कौन है, जो भी है इंसाफ मिलेगा इन लोगों को निश्चित रूप से, क्योंकि देखिए हम हत्या को इसका अलग लेके नहीं चल रहे हैं, सभी को भी हत्या होती है, मानव है वो, किसी की हत्या होती है तो हम लोग को उसके तह तक पहुँचना होता है और उसका जो भी है अपराधी उनके पीछे हम लोग पहुँचेंगे। और ऐसे इनके साथ कोई घटना क्राइम नहीं हुआ है, चूँकि इनका पर्स भी इनके पास ही है, जो पैसा है लटकाई हुई थी उसी तरह से था, मोबाइल था, ये सारे चीज़ इनकी बरामद हुई है। हाँ, ये हो सकता है इसमें भी कि कोई दुश्मन भी इनका हो, तो हम लोग ये कहाँ रहते हैं इसके बारे में भी हम लोग पता कर रहे हैं, चूँकि जो भी यहाँ उपस्थित हैं ये लोग साथ में नहीं रहते हैं, ये अकेली रहती थी, तो अब इनके घर से भी, इनके घर पे गांव इनका नवादा पड़ता है नवादा जिला में, वहाँ भी इनके भाई को खबर करती हैं, बात हो गई है, वो भी आ रहे हैं, उसके बाद हम लोग पोस्टमार्टम कराते हैं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट से अब ही पता चलेगा कि इनकी हत्या किस वजह से हुई है, मतलब क्या कारण, कॉज ऑफ डेथ, ठीक है ना। उसके बाद घटना स्थल क्या है, घटना चांद मारने, घटना स्थल इसका कहीं भी हो सकता है, क्योंकि पीओ पर कहीं ब्लड नहीं है, यहाँ भी कपड़ा को एकदम बारीकी से आप देखेंगे तब आपको लगेगा कि यहाँ पर सूखा हुआ हल्का सा, क्योंकि हम लोग को बिलीव नहीं हुआ जब ये मतलब कि यहाँ पर झूठ बोल रहे हैं आप, सूख जाता है मैडम, सूखा हुआ जो सूखा हुआ है वो है, देखिए यहाँ, ठीक है ना, क्योंकि अभी जस्ट हमने छुआ है, देखते हैं ब्लड मेरे आंखों में खुद लगा हुआ है, ठीक है ना। तो बता दें कि पटना में ये जो प्रदर्शन है वो कंकड़ बाग में हो रहा है, दो दिन में दो किन्नर की मौत हो गई और यही वजह है कि जो गुस्सा है वो अब फूट पड़ा है। उन्होंने बताया है कि उन्हें डर लग रहा है, जिस तरह से किन्नर की मौत हो रही है वो भी अब भयभीत हो चुकी है और यही वजह है कि वाहनों को क्षतिग्रस्त करते हुए, आगजनी करते हुए ये प्रदर्शन उनकी तरफ से किया जा रहा है। तो बड़ी खबर राजधानी पटना से, जहां पर किन्नर समाज का गुस्सा फूट पड़ा है, उन्हें अब डर लग रहा है और यही वजह है कि प्रशासन और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की जा रही है। फिलहाल इतना ही, ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहिए न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।